मकसद है इमरजेंसी लाना, दो तानाशाह बैठ करके प्रमाण सुनाने और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, देश के अमन चैन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, भाई से भाई को लड़ाने की साजिश की जा रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो कानून इन लोगों ने लाने का काम किया, जो काला कानून CAA, NRC, NPR, हम आप लोगों को कहना चाहते हैं आपकी लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल लालू जी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई हम सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए, जो अपना संविधान है उसको बचाने के लिए हम सब लोग जो है एकजुट खड़े हैं। इसमें आप देखिएगा, हम लोगों से पूछा जा रहा है ये कोई काला कानून केवल मुसलमान भाइयों के प्रति नहीं है, ये काला कानून 130 करोड़ जो भारत के रहने वाले हैं उनके खिलाफ है, इसलिए ये जितना खतरनाक मुसलमान भाइयों के लिए है उससे ज्यादा खतरनाक ये हिंदू भाइयों के लिए भी है। खासतौर से वो तबका जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये पूरा काला कानून जो है उनके खिलाफ है। कोई हमको आकर के कहेगा तुम तो देश के नागरिक हो के नहीं हो, कहने वाले कौन है? ये वही है नट्टू राम गोडसे के वंशज जिन्होंने महात्मा गांधी को हत्या कराने का काम किया था, जो नागपुर में तिरंगा नहीं फहराते हैं, जो अंग्रेजों की चमचाई किया जिंदगी भर गुलामी की, आज वो हमसे पूछ रहे कि तुम देश के नागरिक हो के नहीं हो। अजीब बात है, अंग्रेज चले गए लेकिन उनके चमचे लोग कुछ लोग बरकरार हैं, जो उनकी पॉलिसी थी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी बंटवारा करो और राज करो, उसी के तहत ये भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार जो है साजिश रचने का काम कर रही है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने अपना खून बहाया है, कुर्बानी दी है इस देश को आजाद कराने के लिए। अगर कोई कहता है कि ये देश केवल हिंदुओं का है तो गलत है। हम तो बचपन से यही पढ़ते रहे हैं, यही सीखते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और अपने देश की यही खूबसूरती है, अलग अलग राज है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, फिर भी हम लोग एकजुट मिलकर के इस भारत को महान कहलाने का काम करते हैं। इसीलिए देश का पूरे दुनिया में पहचान है, इतनी जातियां, इतनी धर्म, इतनी भाषाएं, जो हमारे संस्कृति को मिटाना चाहता तो क्या फोटो आया, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के घर से मकान छोड़ दे हम। बीजेपी के लोग हम अमन चैन की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं, बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, जिसको घर दे उसको घर दिलाने की बात करते हैं। तो ये बीजेपी का एक नेता है गिरिराज सिंह, हुआ कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, ये गिरिराज सिंह के बाप का देश हम लोग का पाकिस्तान। ये लोग भाजपा वाले लोग, RSS वाले लोग अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से ही डर लगता है। साजिश के तहत उनको फंसाया, उनको जेल भेजा, लेकिन
हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन सिद्धांत, विचार और नीति से कोई समझौता नहीं किया। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बोला करता हूँ लोग बीजेपी के आगे घटना देखने का काम किया, आपका जनादेश लेके आपको पारित करने का काम किया, आपका वोट दिया और आपके एक पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। आप संस्कार दिया है कि बड़ों का सम्मान करो, मान करो। हम तो चाचा बोलते थे, लेकिन जब से उन्होंने सीए कानून के पक्ष में बीजेपी के साथ लोकसभा राज्यसभा में वोट देने का काम किया, तब से हमने कहा कि अब चाचा कहलाने लायक नहीं। आपके साथ धोखा दिया है, बीजेपी आरएसएस से दुश्मन है वो तो हम लोग जानते हैं, सामने से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है अपने लोगों से, जो लोग मीठा मीठा बोलते हैं पीठ में छुरा भोंकने का काम। लालू जी झुके नहीं कभी, वही लालू जी है। सोमनाथ से दत्त लेकर हमारे जी निकले थे तो समस्तीपुर की धरती पर लालू जी उनके रक्त रोकने के गिरफ्तार करने का लालू जी यहाँ खड़े थे इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, देश के लिए, धर्मपेक्षता के लिए, तो ये काम लालू जी ने करने का काम किया। आज देखिएगा ये काला कानून ला करके करने का काम किया। जब हम लोगों ने विधानसभा में पूछा कि आप एनआरसी को लागू मत होने दो, तो कहते नहीं, एनआरसी पे तो चर्चा ही नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं है। अरे कितना झूठ बोलते हैं, राष्ट्रपति से भाषण दिलवा दिए कि एनआरसी लागू होगा। अमित शाह कहते हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कोई चर्चा नहीं होगी। यहाँ हम लोग बेवकूफ नहीं है। एनआरसी का पहला कदम क्या है? एनपीआर क्या है? आपके घर आएगा लोग, पूछेगा कि आपकी पैदाइश कहाँ है, कहाँ पढ़े लिखे हो। ये कानून जो है सेंसस का, इसमें अलग से जुड़ा हुआ है, ये जिससे छांटने का तैयारी लोग करने का काम कर रहा है। और दुर्भाग्य है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है एनपीआर को लागू कर चुके हैं। हम लोगों को सदन में झूठ बोला, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पहले कहते थे ट्रिपल तलाक के मामले में, 370 धारा कश्मीर के मामले में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इनके तकनीयों करने में भारी अंतर रहा। आप लोगों को धोखा देने का काम किया। अब बिहार में एनपीआर को लागू किया है नीतीश कुमार जी ने, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, आपसे कहने आए हैं कि हम लालू जी हमारी पार्टी आपके साथ है, कोई हमसे कागज का टुकड़ा मांगे, सबूत मांगे कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं है, तो कोई कागज का टुकड़ा नहीं देना है। अब बताओ हम लोग कहाँ के रहने वाले, आप ही बताइए, इस देश के है कि नहीं है? बताइए, गजब कानून इन लोग बना रहे, ऐसा कानून गरीबी पे चर्चा करनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा करनी चाहिए, विकास पे चर्चा करना चाहिए, पानी पे चर्चा करनी चाहिए, घर देने की बात करनी चाहिए, गरीबी मिटाने की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए। तो ये बीजेपी वाला लोग क्या कहता है, चर्चा करेगा मंदिर पर, मस्जिद पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, पाकिस्तान पे, और कोई नहीं मिला तो इमरान खान पे बात करते। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमको इमरान खान से क्या लेना देना, हमको तो अपने देश की चिंता है, देश की तरक्की की चिंता है। और जहां अमन चैन कायम नहीं है वो देश तरक्की नहीं कर सकता।